नमस्ते दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ काबली चने का छोला। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देखिए मैं छोला कैसे बना रही हूँ। और छोला अगर आप लोगों का छोले की रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ छोला बनाने के लिए प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने पहले से ही छील के धुल लिया है। और लहसुन लिए हैं मैंने, लहसुन है मेरे पास 10-12 कलियाँ हैं। और टमाटर हैं 6-7 टमाटर हैं, प्याज भी 6-7 है। अब मैं इसको कट कर लिया है मैंने, एक प्याज छोड़ दी है मैंने तड़के के लिए। अब प्याज और लहसुन को मैं पीस लूँगी, आप चाहे तो अदरक भी ले लो, मैंने अदरक नहीं ली है। अब मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में जार में डाल के मैं इसको पीस लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। और बहुत हल्का पानी डाल के पेस्ट बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी इसमें। और फिर इसको पीसने के बाद मैं टमाटर को भी काट कर और पेस्ट बना लूँगी, टमाटर का भी। टमाटर प्यूरी हो जाएगी मेरी तैयार और प्याज भी मेरे तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने इधर छोले ही रात में मैंने ही भिगो दिए थे उनको, अब मैंने कुकर में चढ़ा के 5 से 6 सीटियाँ मेरी आने तक मैंने छोले को भी उबाल के रख लिया है। और फिर ये मसाले ले लिए हैं मैंने। मसाले में मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही गरम मसाला है, 1/2 चम्मच मेरे धनिया पाउडर है, और 1/2 ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और 1/2 चम्मच मैंने सब्जी मसाला लिया है। और खड़े मसालों में भी मैंने यहाँ पे जीरा लिया है, काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, और प्याज कट कर लिए एक। और इधर तेल गरम करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। अब मेरा तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें तेज पत्ता और ये खड़े मसाले डाल दूँगी। फिर खड़े मसाले थोड़े से हो जाएंगे तो मैं इसमें जीरा भी डाल दूँगी, और जीरा, फिर हींग डालने के बाद मैं प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज मेरी हल्की ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन करनी है मुझे प्याज को। फिर ये मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैंने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है उसको भी मैं हल्का सॉफ्ट होने तक, उसका कच्चापन ख़त्म होने तक मैं उसको पकाऊंगी। और इधर मैंने जो मसाले लिए हैं उसमें पानी डाल के उसका घोल बना लूँगी। ये मेरा घोल तैयार हो गया है मसाले का। और इधर मैंने अब जो पेस्ट बना के रखा था प्याज और लहसुन का वो भी इसमें डाल दूंगी। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मुझे, मैं इसको हल्का, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इतना ही पकाना है मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं पका ब्राउन होने दूंगी इसको। फिर मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जो मैंने मसालों का घोल अभी तैयार किया है, तो इसमें ऐड करने के बाद इसको पका लूंगी अच्छे से।
मसाले होने के बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट तैयार किया है उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और टमाटर को भी मैं पका लूंगी थोड़ी देर। तो ये मेरे टमाटर और प्याज ये सारे मसाले हो गए तैयार अच्छे से पक्के। तो जो मैंने छोला उबला हुआ था मेरा उसको चनों को मैं इसी में ऐड कर दूंगी और फिर इसको भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी, 5 मिनट तक तो इसको अच्छे से भूनना है हमको। अब मैंने इसको छोलों को अच्छे से भून लिया है तो अब मैं इसमें लास्ट में नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए, कम ज़्यादा जैसा खाना चाहते हो आप वैसा ऐड करके इसमें। फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, पानी भी आप अपने हिसाब से, गाढ़ा खाना खा चाहते हो तो कम डालिए, पतला खाना चाहते हो तो ज़्यादा डाल दीजिए आप। तो मैंने यहाँ करीब 1.5 गिलास तक पानी ऐड किया है मैंने, तो आप अगर और डालना चाहते हो तो आप और भी डाल सकते हो। तो इसको मैं अब ढक के खोलने दूंगी अच्छे से और बस फिर मेरे अच्छे से जब खोल जाएगा तो छोला मेरा हो गया तैयार। आप इसे धनिया से अच्छे से धनिया काट के इसको, धनिया इसमें ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ धनिया ऐड नहीं किया है इसमें। और फिर मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और प्याज से मैं इसे गार्निश करूँगी, इसलिए मैंने इसमें धनिया ऐड नहीं किया है। और आप लोगों को ये छोला मेरा कैसा लगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।